बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। तुलसी बाबा विनय पत्रिका में एक प्रार्थना करते हैं, संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति देहु। उन्होंने कहा हे प्रभु, संत का हृदय सरल होता है, वो सबके कल्याण की सोचते हैं, इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहें तो सदा सदा मुझे ऐसे संतों के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम प्रदान करना। कुछ ऐसे ही भाव, ऐसी ही सोच तो रखता था युक्तेश्वर गिरिजी का शिष्य मुकुंद। मुकुंद कहता है कि मेरे गुरु के दरबार में यूं तो बहुत सारे लोग आते थे, किसी की दृष्टि पद पर होती थी, किसी की मान वैभव पर, कोई धन चाहता था, लेकिन इस मुकुंद की दृष्टि भी एक स्थान को पाने की अभिलाषी थी। और जानते हो वो स्थान कौन सा था? कहीं बाहर नहीं, अपितु मेरे गुरुदेव का हृदय। मैं अपने गुरु के हृदय में सदा सदा के लिए वास करना चाहता था, और एक दिन उनकी असीम दया से मुझे वो स्थान प्राप्त भी हो गया। और जिस समय मुझे यह प्राप्ति हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जैसा विशाल साम्राज्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। बुद्ध भी तो कहते हैं कि दुनिया में गुरु के समान और कुछ भी महान नहीं। जिसने गुरु पा लिया मानो उसने सब पा लिया। कुछ ऐसी ही प्रेरणा देता है यह गुरु भाई का दिव्य अनुभव। वो गुरु भाई जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु महाराज जी की समाधि के बाद आश्रम में चल रही अखंड साधना में एक दिन वह गुरु भाई साधना करने के लिए आया तो उसने अपने अंतः अनुभूति में देखा एक दिव्य शक्ति उसके समक्ष प्रकट होती है और उसको कहने लगी, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस भाई ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु मिल गए, सब मिल गया। उस शक्ति ने फिर कहा, अरे मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ, धन ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ दे सकती हूँ, कुछ तो मांगो। कहने लगा, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। तीसरी बार फिर उस दिव्य शक्ति ने संबोधित किया, अरे मैं देने के लिए आई हूँ, मुझसे कुछ तो मांग लो। गुरु भाई ने कहा, आप कुछ भी दे सकती हैं? कहते हैं, तो आप इतनी कृपा करो कि मुझे मेरे गुरु महाराज जी का दर्शन करवा दो। मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनके दिव्य दर्शन करने की ही लालसा मेरे भीतर है। इतना सुना तो वह दिव्य शक्ति उस भाई के सूक्ष्म शरीर को एक दिव्य लोक में ले गई, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश था। और उस प्रकाश में भाई ने एक उच्च सिंहासन देखा जिस पर गुरु महाराज जी विराजमान। महाराज जी को देखकर नमन किया, महाराज जी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई और अपने दिव्य अंदाज में उस दिव्य शक्ति को कहते हैं, ले आई परीक्षा, नहीं हारा ना मेरा भक्त। अरे मेरे भक्त की कोई भी परीक्षा ले आओ, लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से अपने गुरु को प्रेम करते हैं, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सिवाय अपने गुरु के कभी किसी और चीज की मांग कर ही नहीं सकते। सही ही तो है, एक शिष्य की तो यही चाहत होती है। सांसों की डोर दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है गुरुवर, सांस चले तो तू मेरे साथ हो, सांस रुके तो तू मेरे पास हो। वो तो एक ही कल्पना करता है, एक ही चीज की मांग करता है। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाहा, अपना कर बिठाएंगे चरण कमल की छां। मेरी जिंदगी में वो दिन कैसा होगा जब मुझे गुरु अपना कहकर के पुकारेंगे और अपना सानिध्य प्रदान करेंगे।
ऐसी ही सोच जब एक साधक रखता है, प्रत्येक कर्म प्रत्येक प्रयास मात्र गुरु को पाने के लिए चलता है, तो सजनों उस समय ये दुनिया ये संसार उसको भांति भांति के प्रलोभन देती है, उसको गुरु के प्रेम से विमुख करना चाहती है। कुछ ऐसा ही तो हुआ था दयानंद सरस्वती जी के साथ। एक धनाढ्य व्यक्ति उनके पास आया और आकर कहने लगा, आप अपने गुरु को छोड़ दो, बदले में मैं आपको महंत की गद्दी दे दूंगा। इतना ही नहीं, उससे जुड़ी लाखों की संपत्ति के भी आप अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही यह सुना तो उस समय दयानंद जी कहने लगे, अच्छा आप संसारिक प्रलोभन देकर मुझे मेरे ईश्वर से दूर करना चाहते हैं, तो सुनिए मेरे गुरु के प्रेम के आगे इन संसारिक तुच्छ वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है, मात्र ये शून्य है, शून्य इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। और हाँ, याद रखिएगा कि गुरु के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगाया जा सकता है, पर इस दुनिया के लिए गुरु को कभी दांव पर नहीं लगाया जा सकता। आज एक शिष्य के भाव हैं, वो अपनी जिंदगी में हर चीज को टुकरा देता है, सिर्फ गुरु की कामना करता है, गुरु के प्रेम का अभिलाषी होता है। यही तो था कि जटायु ने मरते मरते भी अमरता के वरदान को ठुकरा दिया। केवट गरीब होकर भी माँ सीता द्वारा दी गई मुद्रिका को ठुकरा देते हैं। और इसी तरह भरत प्रभु श्री राम के प्रेम को प्राप्त करने के लिए राज्य सिंहासन का ही त्याग कर देते हैं। साधकों, एक शिष्य की यही अभिलाषा होती है, क्या करूं कि मैं गुरु का बन जाऊं और गुरु सदा सदा के लिए मेरा हो जाए। इसके अलावा उसके तन में मन में कोई चाहत नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती। और आगामी भजन हम लोगों को कुछ ऐसी ही तो प्रेरणा प्रदान कर रहा है। एक शिष्य के यही भाव होते हैं, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए गुरुवर, बस मुझे आपकी चाहत है और आपके अलावा कोई इच्छा नहीं, बस आपकी ही इच्छा है, आप ही की अभिलाषा है, आप ही के प्रेम को प्राप्त करना है। तो आइए इन्हीं भावों को आगामी भजन के माध्यम से मिलकर श्रवण करते हैं। तो बोलिए सद्गुरु महाराज जी की।